नमस्कार। गर्मी का प्रचंड प्रकोप अभी भी संपूर्ण भारत के कई राज्यों में अभी भी जारी है। क्या होने वाला है मौसम का अंदाज, आइए देखते हैं मौसम विभाग के इस दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अशिम कुमार मित्रा। सबसे पहले आपको बता दें, अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, बिहार, झारखंड में लू चलने की संभावना है। इसका मतलब गर्म हवाओं का प्रकोप यहाँ पे आने वाले 5 दिनों के दौरान देखने को मिल सकता है। और अगर हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी वर्षा की गतिविधि देखने को मिल सकती है। आइए चलते हैं, पिछले 24 घंटों के दौरान जो हमारे वेधशालाओं में दर्ज किया गया है, और साथ ही साथ अगर हम GIS मैप वाले इस मैप को अगर देखें, अधिकतम तापमान वाले, आप देखेंगे अधिकतम जगह की अगर हम बात करें, ये देखिए पश्चिम राजस्थान, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश, विदर्भ में जो तापमान है वो 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान में, यहाँ पर जो तापमान का जो 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 संख्या है वो 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा हुआ है। इसका मतलब 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बताएं, ये देखिए ये जो जगह है, पूरे के पूरे बहुत सारे राज्य अगर आप बात करें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भाग सारे इसमें सम्मिलित है। अगर हम बात करें हीट वेव की, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, दिल्ली, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन सभी जगहों में हीट वेव की स्थिति देखने को मिली है। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखने को मिला हुआ है। दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र के अलग अलग भागों में हीट वेव की स्थिति देखने को मिली है। और अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के कच्छ इलाकों में भी हीट वेव की स्थिति पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। हालांकि अगर आप देखें उत्तर पूर्व राज्य, ये पूर्वोत्तर राज्य की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो स्थिति ठीक उसके उलट है, यहाँ पे वर्षा हो रही है। अगर हम देखें उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान एक तरह से, और बिहार में 11 सेंटीमीटर की वर्षा हुई, जिसको हम भारी वर्षा कहते हैं। जलपाईगुड़ी में 8 सेंटीमीटर, असम, मेघालय, बारपेटा में 9 सेंटीमीटर, बक्सा में 7, केरल में 9 और एर्नाकुलम में 8 सेंटीमीटर, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान क्या होने जा रहा है। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने जा रही है। हालांकि कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है, फिर उसके अगले 3 दिनों के बाद कुछ कमी इसमें देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें अगले 5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें, खास बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। मतलब आपको जो अभी दिख रहा है लाल रंगों से, जिस तरह से बाकी राज्यों में दिखाया गया, आने वाले कुछ दिनों तक ये स्थिति बरकरार रहने जा रही है। अगर हम बात करें अब गर्म हवाओं की, जिसको हम हीट वेव कहते हैं, हीट वेव की जो स्थिति है पश्चिम राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, गंभीर गर्मी की लहर देखने को मिल सकती है अधिकांश जगहों में, इस जगह में देखने को मिल सकती है। पूर्वी राजस्थान इन भागों में आने वाले 5 दिनों के दौरान, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली के अलग अलग भागों में, मतलब आने वाले 4-5 दिनों के दौरान यहाँ पे हीट वेव, लू या गर्म हवाएं चल सकती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में भी ये स्थिति ऐसी बरकरार रहने जा रही है। इसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका खासकर प्रभावित रहेगा। 10 से 11 तारीख को भीषण लू की स्थिति देखने को मिल सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में भी आपको हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। कुछ हिस्से जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और झारखंड, बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी 7 और 8 को, और जम्मू संभाग में 7 तारीख को, जो कि आज है, हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें 7 से 9 अप्रैल के बीच यहाँ पे हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। गुजरात कच्छ के ऊपरी भाग में 9 से 11 अप्रैल को, और विदर्भ में भी लगभग 9 और 11 अप्रैल को हीट वेव या गर्म हवाओं की स्थिति देखने को मिल सकती है। आइए वर्षा की एक तरह से पूर्वानुमान चेतावनी देखें। अगर ये देखिए इनसे TDR की इमेज को देखें, बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं, जैसा कि छोटे छोटे क्लाउड क्लस्टर, बादलों के जमावड़ा यहाँ बने हुए हैं। और अगर हम बात, जैसे हम बता रहे हैं, एक तरह से तीव्र उत्तर पश्चिम जो हवाएं हैं, ये नमी लेके उत्तर पूर्व राज्यों को प्रभावित कर रही है, जिसके फलस्वरूप उत्तर पूर्व राज्यों में काफ़ी अच्छी वर्षा देखी जा रही है। अब क्या होने वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में थोड़े छोटे क्लाउड यहाँ पे दिख रहे हैं, तो गंगी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लाइटनिंग की गतिविधि यहाँ पे मुख्य रूप से देखने को मिल सकती है। असम, मेघालय, एक तरह से पूर्वोत्तर राज्य इसमें प्रभावित रहने वाले आने वाले 5 दिनों के दौरान। भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, ये वाले भाग में आपको देखने को मिल सकता है 7 से 10 अप्रैल के बीच। असम, मेघालय में भी 5 दिनों के दौरान भारी वर्षा की स्थिति बनने की दिख रही है, और ये स्थिति 9-11 को एक तरह से वेरी हैवी, अत्यंत भारी वर्षा देखने को यहाँ मिल सकती है। अब हम बात करेंगे जो दक्षिण पेनिनसुला, अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप राज्य जो है, यहाँ पे एक तरह से ट्रफ की यहाँ की मौजूदगी है,
जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की एक्टिविटी प्रमुख रूप से शाम के समय 2:30 बजे के बाद या एक तरह से लेट इवनिंग में यहाँ पे देखने को मिल रही है कई दिनों से, जैसे कि हम बताते आ रहे हैं फोरकास्ट में। केरला माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकाल कर्नाटक में आने वाले 5 दिनों के दौरान लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की गतिविधि जारी रहेगी। आंतरिक आंध्र प्रदेश के तटीय भाग 9 एक तरह से कह सकते हैं 9 से 11 अप्रैल के बीच ये देखने को मिलेगी भारी वर्षा। दक्षिण केरला, अगर हम बात करें दक्षिण केरला में 8 और 9 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। ये हमारे 5 दिनों के पूर्वानुमान जिसकी चर्चा हम कर लिए, कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।